कांग्रेस को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। एमपी में करीब 60 लाख फर्जी वोटरों की शिकायत को चुनाव आयोग जांच के बाद गलत करार दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए थे। हमारा अनुमान है कि 60 लाख मतदाता सूची में ये नाम गलत है, फर्जी है, करवाए गए हैं राजनीतिक लाभ के लिए। इस लक्ष्य के साथ किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिले। विधानसभा चुनाव से पहले 60 लाख बोगस वोटर का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाली एमपी कांग्रेस के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई टीम ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट की जाँच की। निरीक्षण में जांच टीम को कोई गड़बड़ी नहीं मिली। साथ ही एक ही मतदाता का नाम कई जगहों पर होने के दावों को भी गलत बताया। हालांकि जांच आयोग ने एक ही तस्वीर वाले अनेक मतदाता होने की शिकायत को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी महीने में चुनावी शंखनाद होना है। 16 साल से ज्यादा समय से सूबे की सत्ता में बीजेपी काबिज है। गुटों में बटी कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी और नाराज किसानों के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। कमलनाथ को अध्यक्ष और ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय को चुनाव कमेटी में जगह देकर राहुल गांधी ने बड़ा दांव चला है, लेकिन शिवराज के सामने तिकड़ी कितनी कामयाब हो पाएगी कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन।